हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 11 प्रो फ़ोन है तो रियलमी 11 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रियलमी 11 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और OTG ऑप्शंस को आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप OTG को कनेक्ट कर सकते हैं रियलमी 11 प्रो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से कनेक्शन OTG कनेक्शंस का ऑप्शन आपके फ़ोन में शो हो जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, और ऑन करके OTG पेन ड्राइव को आप कनेक्ट कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली बस इसको ऑन कर देना, और ऑन करते ही आपके फ़ोन में OTG कनेक्शंस है ऑन हो जाएगा, जिससे OTG कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप इसको इनेबल कर देंगे। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं OTG। तो OTG जब आप सर्च करते हैं तो OTG कनेक्शन का ऑप्शन आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिसका आप यूज़ करके OTG कनेक्शंस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली बस जैसे डिसेबल करते हैं तो कोई भी पेन ड्राइव आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। एंड आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करके भी OTG को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे अपने रियलमी 11 प्रो फ़ोन में, और OTG को कनेक्ट कर सकते हैं इसको इनेबल करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।